कितने साल हुए शादी के आप लोगों की? शादी 2010 में हुई, 24 चल रही है, 24 14 साल हो गए। अच्छा, तो आपके पहले से बेबी है? एक लड़की है। कितने साल की है वो? 13 साल की। 13 साल की। 13 साल। फिर दूसरे बेबी के लिए आप मतलब ट्राई तो कर रहे होगे, हाँ, क्या हुआ फिर? हैरान पड़ी। इलाज भी कराया, ग्वालियर कराया, झांसी करवाया, ग्वालियर में क्या कराया था? ट्रीटमेंट लिया था। ट्रीटमेंट लिया था, तो क्या बताया उन्होंने? कुछ नहीं, फायदा नहीं, बड़ी बार दवाएं देती थी, नहीं आराम मिला। 13 सालों से, मतलब आपकी लड़की 13 साल की हो गई, फिर बच्चे नहीं हो रहे थे, फिर आप यहाँ आए। हाँ, यहाँ मैम ने आपको क्या इलाज बताया? आपने कितने साल से करा रहे थे? तो बिटिया कितनी बड़ी हो गई उसके बाद इलाज कराना शुरू किया? मतलब 6-7 साल की लड़की हुई थी, उसके बाद इलाज मतलब ऑलमोस्ट 6 साल से आप इलाज करा रहे हैं, है ना? तो 6 साल से इलाज के बाद आपने काफी जगह कराया, फिर मेरा किसने बताया आपको? यूट्यूब से। यूट्यूब से पता पड़ा। ओके, तो यूट्यूब देख के आप यहाँ पे आ गए, है ना? फिर मैंने क्या करा, जांचें आपने मतलब पहले बेसिक जांच कराई? कराई बेसिक, है ना? फिर बेसिक जांचों में क्या कमी आई? एग मतलब की क्वालिटी वगैरह कम थी। की क्वालिटी कम थी और शायद ट्यूब्स भी बंद थे, है हाँ, ना? तो ट्यूब्स बंद हो जाते हैं तो दोनों के अंडे ट्यूब्स में मिलते हैं, और फैमिली कंप्लीट करने के लिए 2 बच्चे होने ही चाहिए, है ना? बच्चे के लिए होना चाहिए, हमारे और आपके लिए नहीं। तो फिर मैंने आपको IVF सजेस्ट करा, है ना? फिर आपने IVF कराया, तो फर्स्ट साइकिल में आ गया था। फर्स्ट साइकिल में 2 आए थे, 1 आया था, दो आए थे। अभी क्या हुआ है? दोनों बेटे हुए। मतलब ये, लेकिन आपको बता दिया गया था कि कुछ भी हो सकता है ना, बेटा बेटी का कोई वो नहीं है। हाँ, बच्चे के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट साइकिल में ही आ गया था ना? ठीक है। और कैसा रहा पूरी जर्नी, पूरे 9 महीने कैसा रहा? IVF के टाइम कैसा रहा? हमें तो कोई परेशानी नहीं आई, थोड़ी नॉर्मल गर्म, मतलब थोड़े ट्विंस थे तो थोड़े मतलब चलने फिरने उठने बैठने में हाँ, दिक्कत थोड़ी होती दिक्कत होगी। आई, और वैसे कोई वैसे तो बच्चे भी तो तुम्हारे ऐसे हुए कि एक दिन के लिए भर्ती भी नहीं करना पड़ा, हाँ, है ना? पूरे फुल टाइम के हुए, 2 बच्चों के संग इतना बड़ा पेट लेंगे, थोड़ी दिक्कत होगी। बच्चों का वजन भी ठीक है? बच्चों का वजन भी ठीक रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं? और कोई प्रॉब्लम हुई बीच में किसी चीज़ के लिए भर्ती होने नहीं में? नहीं, टाका लगाने के अलावा है, टाका लगाने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दर्द या कुछ? और पहले जो इंजेक्शन लगते हैं उन सब में कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं हुई। हम तो ये ऑपरेशन से बहुत डरते थे, जो सी सेक्शन होता ना उससे बहुत डरते थे, लेकिन वो भी डर निकल गया। वो भी डर निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना सी सेक्शन में? नहीं, भगवान करे सब अच्छा ही रहे, है ना? ये बताइए कि जो यहाँ पे हम लोगों ने खर्चा बताया था उसका क्या है, वैसे ही लिया आपको यहाँ, और जगह से कैसा लगा, चार्ज ज्यादा है या कैसा है? नहीं, जैसा आपने बताया था वैसा ही लिया है। और दूसरी जगह से? दूसरी जगह का मैं मालूम नहीं है, ट्राई ही नहीं किया इसलिए पता नहीं, लेकिन आपने जो बताया था कोई कोई ज्यादा चार्ज तो नहीं लगा आपको? और हमें नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बहुत बड़ी खुशी मिल रही आपकी वजह से। नहीं, हम तो यहाँ से वहाँ भटकते थे, यहाँ से वहाँ। और कुछ कहना चाहते हो स्टाफ के लिए, हमारे स्टाफ के पेशेंट्स के लिए? नहीं, स्टाफ बहुत बढ़िया है मैम, सब ने कोऑपरेट किया, जो मतलब जिससे पूछा गया अच्छा जवाब मिला। और आप तो समझ लो, हमारे लाना भगवान का रूप है, भगवान ही वैसे कराते हैं। मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से सब अच्छा हाँ, करती हूँ। और हमसे जो भी पूछता है हम तो ये कहते हैं घूमते जाओ, इधर उधर भटकने से अच्छा वहाँ ट्राई करो। पापा जी बोले कुछ? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं तो बस इतना बोलूँगा कि आपके हाथ में जादू है, बस मैं इतना ही। मतलब जो भी यहाँ आएगा वो कभी फेल होके नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। हो सकता है टाइम लग जाए, हाँ टाइम लग जाए, लेकिन फेल नहीं हो सकता, ये मेरा विश्वास है। ये मेरा विश्वास है मैम कि वो कभी फेल नहीं होगा, मैं अंतर मन से कह रहा हूँ सर के यहाँ फैल नहीं हो सकता है। ठीक, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे विश्वास भी करने के लिए, और वीडियो के लिए भी तैयार होने के लिए, और एक अच्छे